नमस्कार दोस्तों, चंपावत खबर में आपका स्वागत है। 24 दिसंबर को मनाया जाने वाला राष्ट्रीय बालिका दिवस इस बार चंपावत जिले में अलग अंदाज में मनाया गया। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय टनकपुर की कक्षा 10 की छात्रा निकिता आर्य को इस बार DM SN पांडे ने एक दिन का जिलाधिकारी नामित किया था। एक दिन की DM निकिता आर्य ने गोरलचौड़ मैदान में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर विभागीय कार्यों की समीक्षा की। इसके बाद निकिता ने कहा कि वे एक दिन के लिए DM नामित होने पर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही हैं। अब वे सच में एक IAS अफसर बनने के लिए जीतोड़ मेहनत करेंगी। कार्यक्रम के दौरान DM SN पांडे ने निकिता आर्य को सम्मानित भी किया। निकिता पढ़ाई में काफी होशियार है, इस वजह से उन्हें एक दिन के लिए DM नामित किया गया था। होती है तो नाबालिग के लिए हमारा अलग पोक्सो एक्ट बना है, तो जिस कारण लड़के को सजा हो जाती है। इस संबंध में हम लड़कों को भी बताते हैं कि कानून इस तरह का है कि जब अगर नाबालिग के साथ कोई अपराध होता है, चाहे वो अपनी मर्जी से भी जाए, लड़कों को उसमें सजा का प्रावधान है। तो अगर हम जिस तरह से उनको अवेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, उस हिसाब से काफी कमी आई है इन चीजों में। कक्षा 10th की छात्रा हूँ, मुझे बहुत खुशी है कि मुझे आज चंपावत जिले का DM नामित किया गया है। एक दिन का DM नामित किया गया है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। यहाँ के तरह तरह के मैंने एक्सपीरियंस लिए हैं। मैं चाहती हूँ कि मुझे यहाँ के बहुत खुशी हुई। मैं चाहती हूँ कि मैं आगे जाके अपने भविष्य में DM ही बनूँ और समाज के कल्याण के लिए अनेकों कार्य करूँ और यूँ ही बस अपने कार्य करते जाऊँ और अपने देश का, अपने माता पिता, अपने शिक्षकगण सबका नाम रोशन कर। धन्यवाद। आज राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की छात्रा निकिता आर्या, जो कक्षा 10 की छात्रा है, उसको हमने आज जिलाधिकारी नामित किया है और वह जो है विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक करेगी। इसका उद्देश्य है कि उस बालिका में स्वयं और अन्य बालिकाएँ जो इसको देखेंगी या इसको विभिन्न माध्यमों से उनके संज्ञान में आएगा, उनके अंदर एक आत्मविश्वास पैदा होगा कि वह भी किसी भी कार्य को कर सकती हैं और उच्च से उच्च पदों पर पहुंच करके समाज की और जनता की सेवा कर सकती हैं और परिवार में और समाज में और राष्ट्रीय महत्वपूर्ण भूमिकाओं में बालिकाओं का, महिलाओं का उतना ही योगदान है जितना कि पुरुषों का और बालकों का है।